अगर आप एक इलेक्ट्रिकल फिटर हैं या इंस्ट्रूमेंट फिटर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्लाइंट द्वारा इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले सवाल होता है वो क्या क्या होता है। क्योंकि मैं खुद बहुत सारा इंटरव्यू अटेंड किया हुआ है और मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है कि सबसे ज़्यादा फिटर से जो सवाल किया जाता है क्लाइंट द्वारा कौन कौन से काम के बारे में किया जाता है। देखिए, सबसे पहले जो आपका सीवी है, जो बायोडाटा है, उसमें आपका जो काम का बायोडाटा आप टाइप कराए हुए हैं कि क्या क्या काम करते हैं आप, क्लाइंट सबसे पहले उसको चेक करता है। जो जो काम आप उसमें टाइप कराए हैं उसी काम से रिलेटेड आपको सवाल किया जाता है। तो आपको ये होना चाहिए इंटरव्यू से पहले तैयारी कि जो जो सीवी में आप काम का बायोडाटा टाइप कराए हुए हैं उसके बारे में आप पूरा तरह से रट्टा मार के जाइए कि क्या क्या काम आप उसमें लिखवाए हैं, उसके बारे में क्या क्या क्लाइंट सवाल कर सकता है और उसका जवाब क्या क्या होना चाहिए, ये आपको पता है आपका बायोडाटा है। तो उसके बाद जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने और आए होंगे, और वहाँ पे जब आप जाइए तो जो लोग पहले से इंटरव्यू दे करके आ रहे हैं वापस, उनसे आप पूछिए कि भाई अंदर में क्या क्या क्लाइंट पूछा, क्या क्या सवाल पूछा, तो उसको आप रिमाइंड कर लीजिए क्या क्या पूछ रहा है ज्यादा करके। ये मतलब कि जनरली ये मतलब ध्यान होना चाहिए, है ना, कि क्या क्या पूछ रहा है अंदर, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं बहुत सारा इंटरव्यू अटेंड किया हूँ, तो मैं जिस तरह से इंटरव्यू में क्लाइंट सवाल करता है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। उसमें से 10 मैं सवाल को चुना हूँ जो कि क्लाइंट किसी ना किसी तरीके से उस सवाल को करता है और उसको जवाब देना पड़ता है। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम का वीडियो होने वाला है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं या इंडिया में किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू अटेंड करना पड़ता है। तो मुझे उस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिक पे 10 सवाल ऐसा बनाया हूँ जो कि हर क्लाइंट कभी ना कभी पूछता है ये एस्टिमेट इलेक्ट्रिकल फिटर से। तो 10 सवाल क्या है सबसे पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट फिटर है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड इंटरव्यू देने गया है, तो सबसे पहले आपको कहीं हो सकता है ट्यूब वर्क के बारे में पूछ सकते हैं कि ट्यूब क्या होता है। दूसरा सवाल ये हो सकता है ट्यूब वर्क करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए। तीसरा सवाल ये हो सकता है, ये भी सवाल कर सकता है कि ट्यूब कितने टाइप का होता है, इंस्ट्रूमेंट का स्टैंड कितने ग्राउंड से हाइट पर लगना चाहिए, कितना ऊंचाई पर लगना चाहिए, जेबी कितना हाइट पर लगना चाहिए, या स्टैंड किस तरह से बनाया जाता है उसके आपको पता होना। तो इंस्ट्रूमेंट फिटर को केवल ट्रे भी करना पड़ता है, तो केवल ट्रे के बारे में पूछ सकता है कि केवल ट्रे कितने प्रकार का होता है, कितने केवल ट्रे का सपोर्टिंग कितना दूरी पर लगना चाहिए, और एस्टिमेट के बारे में पूछ सकता है कि एस्टिमेट FTPT LTDPT ये सब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसमें कितना ट्यूब आता है, ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि एस्टिमेट क्या है, एस्टिमेट कितने टाइप का होता है, एस्टिमेट में ट्यूब क्यों लगाया जाता है, ये सब अलग अलग सवाल है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं ये वीडियो को शॉर्टकट में बना रहा हूँ, और जो जरूरी बात है उसी को बता रहा हूँ, एक ही बात को दो बार बोलने से कोई फायदा नहीं है, टाइम लॉस हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट सवाल और जवाब देता हूँ। पहला आपका सवाल ये है, ट्यूब वर्क करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए। तो इसका जवाब ये होना चाहिए कि ट्यूब वर्क करने के लिए सबसे पहले बेंडर होना चाहिए, ट्यूब बेंडर होना चाहिए, ट्यूब कटर होना चाहिए, राउंड फाइल होना चाहिए, लाइन डोरी होना चाहिए, स्पीड लेवल होना चाहिए। जरूरत पड़ने पे अलग अलग टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अगर वेल्डिंग करना है, क्या है सपोर्टिंग ट्यूब में तो सपोर्ट लगता है ना, तो ट्यूब का सपोर्टिंग करना भी एक फिटर का काम है, तो उसके लिए वेल्डिंग मशीन चाहिए। हेल्टी करके सपोर्ट मारने का, तो उसके लिए हेल्टी मशीन चाहिए। तो ये अलग अलग जरूरत पड़ने पे अलग अलग टूल्स का यूज किया जाता है, लेकिन जो बेसिकली यूज करने वाला सामान ये होता है कि मेजरमेंट टेप, राइट एंगल, स्पीड लेवल, लाइन डोरी, ट्यूब बेंडर, ट्यूब कटर, राउंड फाइल। ट्यूब का काम करने के लिए आपको 10-11 से लेकर के 30-32 तक का पाना का यूज होता है, तो पाना का पूरा थैली ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 10-11 से लेकर के 30-32 तक का पाना ट्यूब वर्किंग में यूज होता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ट्यूब कितने प्रकार का होता है, तो भाई ट्यूब 4 प्रकार का होता है, SS ट्यूब, MS ट्यूब, कॉपर ट्यूब, PVC ट्यूब। उसके बाद आपका ये सवाल हो सकता है कि एस्टिमेट स्टैंड या जेबी स्टैंड कितने हाइट पर लगना चाहिए ग्राउंड से, तो उसका जो स्टैंडर्ड हाइट होता है 12.5 cm से लेकर के 15 cm के बीच में होता है, लेकिन अलग अलग लोकेशन के हिसाब से उसको क्लाइंट बताता है कि भाई ये 1700 पर होना चाहिए या 1 मीटर पर होना चाहिए, वो अलग अलग होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड हाइट है उसका 1250 से लेकर 1500 तक है, तो ये आप बोल सकते हैं इंटरव्यू में। बाकी सवाल ये है कि आपसे अगर पूछा जाए केबल ट्रे कितने प्रकार का होता है, कितने तरह का होता है, तो आप बताइए 5 प्रकार का होता है केबल ट्रे, GI, MS, SS और एल्युमिनियम और एंगल ट्रे। और इसी तरह ये पूछा जा सकता है कि FTPT, LTDPT ये क्या है सब, तो आपको बताने का है कि FTPT, LTDPT ये सब एक इंस्ट्रूमेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि FT का फुल फॉर्म क्या है, तो फ्लो ट्रांसमीटर, FT का फुल फॉर्म होता है फ्लो ट्रांसमीटर, PT का फुल फॉर्म होता है प्रेशर ट्रांसमीटर, TT का फुल फॉर्म होता है टेम्परेचर ट्रांसमीटर, और DPT का फुल फॉर्म होता है डिक्रेयर प्रेशर ट्रांसमीटर। तो आपको इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि चलो ठीक है DPT में कितना ट्यूब आता है, तो उसमें बताने का DPT में 2 लेंथ ट्यूब आता है, एक हाई प्रेशर का और एक लो प्रेशर का। वैसे ही पूछा जा सकता है कि PT में कितना ट्यूब आता है, तो PT में एक ही ट्यूब आता है, और उससे वैसे ही पूछा जा सकता है कि LT में कितना ट्यूब आता है, तो LT में 2 ट्यूब आता है, उसमें भी हाई प्रेशर और लो प्रेशर का 2 ट्यूब आता है।
तो यह सब मालूम होना चाहिए। और इसका जवाब यही है कि एफटी का मतलब, पीटी का मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसमें ट्यूब कितना आता है, इसका जवाब मैं दे ही दिया, आप लोग रटा मार लीजिए। इसके साथ में ये भी सवाल हो सकता है कि ट्यूब क्यों लगाया जाता है, तो ट्यूब का क्यों लगाया जाता है, इसका आपको जवाब ये देना है कि ट्यूब को किसी भी प्रोसेस लाइन को इंस्ट्रूमेंट के पास तक ले जाने के लिए ट्यूब लगाया जाता है, जैसे कि प्रेशर लाइन हो गया या लिक्विड लाइन हो गया या गैस लाइन हो गया, इस सब को इंस्ट्रूमेंट के पास तक ले जाने के लिए आपको ट्यूब का सहारा लिया जाता है, इसीलिए ट्यूब लगाया जाता है। बाकी आपका ये सवाल हो सकता है क्लाइंट द्वारा कि एस्टीमेट क्या है, आप एस्टीमेट फिटर है तो एस्टीमेट है क्या भाई, आप एस्टीमेट के बारे में बताइए। तो आपको कहना ये है, एस्टीमेट उसे कहा जाता है जो अंदर की कार्य को बाहर फॉलो करता है, दिखाता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको मेजरिंग करता है, ये एस्टीमेट हो जाए, जैसे कि एफटी पीटी एलटी डीपीटी ये सब एस्टीमेट हो गया, और एस्टीमेट से जुड़े बड़े बड़े मशीनों को हम एस्टीमेट द्वारा कंट्रोल करते हैं, उसको उसे कहते हैं जो अंदर की कार्य को बाहर फॉलो करता हो, जैसे कि एफटी पीटी एलटी डीपीटी ये सब अंदर की किराए को फॉलो करता है, किसी भी मशीन को कंट्रोल करता है, उसको सुचारित रूप से चलाने में मदद करता है, उसका कंट्रोल कर लेता है, उसको एस्टीमेट कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एफटीपीटी एलटीडीपीटी ये सब एस्टीमेट है, यही एस्टीमेट का काम है। और लास्ट में ये तो मैं कहूँगा ही कहूँगा कि भाई सिर्फ वीडियो देखने से, वीडियो पे या रट्टा मार के इंटरव्यू देने से कोई फायदा नहीं होता है, या कोई भी काम को आप नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, है ना। थ्योरी थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली होता है। तो अगर आप एक अच्छा फिटर या अच्छा इलेक्ट्रीशियन जो भी आप बनना चाहते हैं, ये कुछ भी है, प्रैक्टिकल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ आप वीडियो देख करके आप किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते हैं। और भी जानकारी लेना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर बहुत सारे फिटर का वीडियो पड़ा हुआ है, सब आपके जानकारी लायक है, जो जो काम उसमें आप देखिएगा, ट्रे के बारे में है, ट्यूब के बारे में है, एम्पर्स लाइन के बारे में, सबको देखिए और समझिए, कहीं हो सकता है आपसे उसके बारे में सवाल कर ले, तो आप वीडियो देखिएगा, आपको जानकारी रहेगी तो आपका उसका जवाब दे सकते हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि सबसे पहले जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्लाइंट अंदर है और उससे जिसका इंटरव्यू हो चुका है उसके पास आप जाइए और पूछिए कि भाई क्या क्या पूछा है क्लाइंट, और जो जो काम के बारे में बता रहा है कि इस काम से रिलेटेड पूछ रहा है क्लाइंट, उसके बारे में आप पूरा रेडी होकर के जाइए, क्योंकि ज़्यादा करके वही सबसे सवाल पूछता है, मतलब चार पाँच टाइप का सवाल रख करके, चार पाँच फीटर्स अगर उसी टाइप का सवाल पूछ रहा है तो आप बाकी सब भूल जाइए, उसी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपसे भी वही पूछने वाला होगा, है ना। ये सब ट्रिक लगाना चाहिए इंटरव्यू पास करने के लिए, और आप कीजिए। और जहाँ तक इंटरव्यू की बात है तो इंटरव्यू के बारे में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले सवाल होता है एस्टीमेट से, इलेक्ट्रिकल फिटर से, उसके बारे में बता ही दिया। और आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइए हम।